मेरा बेटा न्यूपड़ा पीला बोरी बीज रीर गिलास में चम्मच पानी मगा यू के हो रहा है यू पानी भी क्यों पिया मेरे बेटे तेरे मेरा बेटा प्रदीप है न्यू न्यू बाबा बेटा सांस लेता अरे फिर मैं बादल कर लोग अपने गिर का पापा कड़ा कड़ा रो रहा था और मेरे बेटे ने टाले जाओ क्यों पढ़ इतने परवीन छुट्टी काट कर गया था। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त रोहतक जिले का जो गांव रुड़की है, हमारी टीम यहां पर मौजूद है और कई दिनों से मीडिया सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो होने लग रही है, भाई प्रदीप हुड्डा के जो कातिल है अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उसी को लेकर के उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है और माता पिता लगातार शासन प्रशासन के सामने हाथ जोड़ करके न्याय की गुहार लगाने लग रहे हैं कि आखिरकार हमारे बेटे के जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो कब पकड़े जाएंगे। लगभग 7 से 8 महीने इस पूरी घटना को हो चुकी है, लेकिन जो प्रदीप हुड्डा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल में थे उसके हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। इन्होंने केवल बार बार फरियाद लगाई, हाथ जोड़ करके निवेदन किया है हरियाणा पुलिस से भी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी, लेकिन अभी तक इस परिवार का कोई भी समाधान नहीं निकला है। ताई जी, क्या मामला था पूरा 7-8 महीने पहले की घटना है, हरियाणा में पूरी ये चर्चा हो रही है कि भाई इतने महीनों के बाद अब कैसे ये मतलब जो मामला इतना उछला है। बेटा पहले हमने बेरा नहीं था जी, ये हमारी 9 साल तक न्यारी थी, अरे इसने 1-1.5 साल हो गया था, मैं तो बोलिया भी नहीं करती। अरिया मेरे बेटे ने छोड़ कर डगर जाती 10 दिन और रहती और 6 महीने उड़ रहा करती। मेरे बेटे के इनके हुए थे, इसका भतीजा हो गया था या जा रही थी, तो मेरे बेटे की कड़ी टूट गई। प्रदीप और प्रदीप की पत्नी आपसे अलग रहते थे? हाँ, हम छोटे में थे। अरे सारे गाँव ने बेरा बेटा इसका जिज्जा शोक है, बनवासी का सरान ट्रैक्टर कर रहा है, शरमपत ने भी बेरा की तरह आने का सियाई तसली कर दियो, इसके जीत जाकर इसके सारे गांव में मर के पड़ रहे हैं। इसने जीत जा छोड़ा नहीं, मेरा बेटा इसको मार भी दिया करता। फिर मेरे छोटे परवीन ने भी समझाया, भाई रहने दे, कोई बात नहीं, बोली जाली। मेरे बेटे की कड़ी टूट गई, उन्हें बोला मैं पीछे दे रहा हूँ और मैं पीछे ले कर और तुझे भाई अपने करते हैं। स्पेशल सेल आ रहा मेरा, कितनी कमाई आ रही है मेरे बेटे की, क्यों मेरा बेटा उसमें सेल में था, 27-28 लाख तो उसका साल 1.5 साल भी तरा लिया था। इसका भाई आया, इसने अपना वो इसका प्रवीण बोलिया, प्रदीप बोला मैंने भी अपना मकान बनाना है। इसकी माँ ने बोली हाथ जोड़ के, बोला प्रवीण है ना डेढ़ है उसका शरीलाल का, बोला बेटा इन न्यारी बीत काट है, तो इन्हें बोला थोड़े बहुत रिंकुर पर ले, बोला रिंकुर छोरी चौध है, रिंकुर का बाप सन्नी ढेड है, इन्हें तो तेरे मारे घर पर मुकदमा कर दिया था, मारी कोई मदद नहीं करेगा, अरे यू घर अध्यम रह गया था, इन तो सुमन हमारे हसेंगे। मेरे बेटे ने मैं पीछे दे दिए, मेरा बेटा ने बोला मेरा भी मकान पड़न लग रहा है, मन में पीछे दे दे थोड़े थोड़े करके दे दे। जब तक इसकी मान्यो कही थी मेरी 2 बीघे की क्यारी है, 4 बीघे की गहने टेकते है, उधर बेटा तू बनाओगा ना उधर दे दूंगी, नहीं दिए नहीं दिए तो नहीं बोला मेरे बालक आ जाएंगे। इस उसने बेरा पट गया, गुरनौर की तो जा रहा था या जीजा दौर फिर भी जा रही थी, बालका ने उड़ा छूट के अरिया उड़े तो जा रही थी, तो उसने बेरा पट गया, उन्हें बोला तू आड़ा मत आइए, मैंने बालकान लियाऊंगा तू जीत जाए करिए। वो अपने ताऊ ने लेकर बहन ने 3-4 दिन पहले आएगी आएगी आने का उसने दूसरा तने मेरा बेटा मार दिया 3-4 दिन बाद में। उसने इसका ताऊ इसका पापा वो आड़े बैठी थी दिलिया में, अरे रोला माच रहा था, लड़ाई माच रही थी, दारू पी रहा था बारू, 10:30 बजे की बात आधा कुआड़े न्यू करी चरछा वाह, इन्हें बोला तू आड़े क्यों बैठी है, जा भीतर जा भी दारूबाजी से हुए, इन्हें बोली पापा प्रदीप आवेगा, हमने बोला नहीं करती 1.5 साल की, तो नहीं बोला प्रदीप आवेगा जब भीतर आ जाएगा, वह मारिया बोला मेरी माँ का फोन आ रहा वह कुआड़ बंद करके, हमने मेरा बेटा भीतर गई कित गई, मैं साकड़ बंद करके क्यों से रात ने शराबी पराबी अंडे जाता था जाप करूँ सो जाएगा, मैं बीत उदने आनी साकड़ बंद करके मैं तो पड़े गिर गई, ताता तड़स हो गया अपा लड़े दिन पर बिन छुट्टी काट के गया था। अरे अपने घर तो आई पाछे 1-1.5 साल हो गया था, हमारी बार कर जान भी ना जाते पड़ोसियाँ खंडा जाती दादा दादी जलेंगी, उदने से जल है अरे मेरा पोता निशांत जो मेरे तो जीत प्यार हमारे प्रदीप की निशानी वो कितनी सौका गला कड़ कर रखा, उन कैमरे की भी सामी नहीं आने देती है, अरे वह सेजल है अपनी उसकी मान तो बेटा 3 घर उजाड़ दी, वह कह रहा कितने को उजाड़ेगी अपने किसी बढ़ा ली,
माँ समझा कर बेटी ने बोला दादा दादी झूठ बुलवा रहे हम क्यों बुलवाऊंगे, जो बाग सच्चाई देखेगा ना वो होगी। मेरा बेटा प्रदीप उसने मार दिया, मेरी पुत्री ने बताई थी उन मारे, उस मारे दूर गई वाह पापा आज तावड़ा सा बोला प्रदीप का गोली मार ली। नहीं बोला बेनी क्यों कर मार ली, थाली लड़ाई ना झगड़ा ना। बिल्कुल भाई देखो ये ताऊजी से, ताऊजी को ये कहा भाई जो प्रदीप की पत्नी है वो आपके उस मकान में गई थी ताऊजी, उसने मतलब आवाज लगाई थी बारने से गाड़ में ने बोली पापा गेट खोलिए पापा गेट खोल। मन उठड़ बड़ा कर करीब रात ने 12 के आसपास की बात है, 2-4 मिनट इधर उधर होगा ठीक है। मैं गेट खोल कर रहा माँ की बात हुई ने बोली पापा प्रदीप ने अपने गोली मार ली। अच्छा मैं के बात कहे तो ने बोली मेरे वहां भी लकड़ियाँ होती मैं किच है गैलरी में पड़िया है माँ तो मेरा बेटा आड़ पड़िया था न्यून पैर थे चौखट कन्या और न्यून गेट कन्या शर्त था इस साइड में केवाड़ कन्या तो उसको पीड़ा पिल रहा बिल्कुल नहीं खून की कहीं बूंद थी कहीं भी बूंद नहीं थी। तब उसने वो पड़िया था मैं बोला मंगाइयो देखा मैंने बनियान हटा के बनियान के ऊपर खून का दब्बा था और एक गट्टा था बनियान में मैंने बनियान हटा के देखा तो छाती में गट्टा पाए उंगली आ जाए इतना मैं बोला माफी गोली मार लग रही इसके इसने क्यों कर मार लिया गोली ने बोली मन ने क्यों बरा क्यों इसने मार ली ना मार ली मैं क्यों तू इन कह थी अपने गोली मार ली मेरे में भी खड़ी होती ने बोली मन तो यह बात कही है नहीं पापा। अच्छा तुरंत बयान बदल दिया अच्छा आपने उस जब तो उन्होंने कहा था गोली मार ली प्रदीप हाँ जब मैं भाग का आया था तो यहाँ हाथते ही क्या बोली हाथते मैंने बोला उस मैं बेटी हो तो गोली तो लग रही है इसने कुकर मार ली अपने। अच्छा ने बोली मन के पता मन की कब कही है इसने अपने गोली मार ली मैं इतने मेरे तो कही है अगर मैंने तो नहीं कही मैं नहीं कही तो जो मामला हो बता यो क्यों हो रहा है तन्ने के देखा हुआ बता तो ठीक है। बोली पापा मैं अंदर लौट रही थी आड़ बताया उसने ठीक है यार बेड था ठीक है तो वह मंदिर लौट रही थी गेट खोल के ना जब मैंने सोची वो आ गया क्योंकि उसने फोन कर रखा था माऊंगा रोटी बना ली तो मैं उठने लगी इतना गदा का उठा जो गद्दे इनको चीज पड़ी हो मैंने बोला गेट खोला तो प्रदीप आड़ गैलरी में पड़ा था पापा मैं बोला इसका दौरा आ गई मैंने कोई देखा भी नहीं मैं भी गोलियां खुड़का सुनया होगा ताकि ना मैंने कुछ नहीं सुने मैं फिर मन ने देखा जब चारपाई डल रही थी कमरे में उसके ऊपर मेरे लड़के की कैप और पिस्टल चार पाइप रखे थे उस टाइम पे कैप और पिस्टल इकट्ठे रखे थे चार पाइप है तो कोई बात ना ये बेटे में 7 साल ला था तो मार दिया लगने के बाद मेडिकल में ले चलो भाई और करके फोन मन उसने बहू ने फोन मिलाया मन ने फोन अटेंड कराया था वो लड़का बुलाया एक उसका साथी मैं भाई मैं अकेला हूँ और प्रदीप का तकलीफ बहुत ज़्यादा है मेडिकल में ले जाना जितना हो उसका जल्दी आ जाओ वो आप भी यार वो एक लड़के ने और ले आया वो आ गया ज़्यादा है ज़्यादा 3 या 4 मिनट में वो अंत वह हमारी गाड़ी थी उसने वह चाबी दे दी वो गाड़ी मोड़ के लिया गाड़ी में डाल के ले गए रास्ते में वो खिंचाव बन गया मैं बोला भाई मैं बात खराब उसके है जल्दी भगा लो गाड़ी पहले बहुत भगा रखी थी ताई जी थोड़ी हिम्मत रखो तो उसने गाड़ी पहले बहुत भगा रखी थी ट्रामा सेंटर में ले गए PGI के में वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उस टाइम पर मैंने बेरा बेटे के भी चीज मारो पर मेरे ऊपर तो वह 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास गांव से करीब करीब 200 आदमी के आसपास पहुंच गए अब भाई प्रदीप को गोली लाग रही है और उन्हें सब ने जिसे जान पटती गई अंदर हाँ 3:30 बजे उसके सेल का डिपार्टमेंट आ गया दिल्ली पुलिस का जो उनकी टीम थी उसका इंचार्ज भी आ गया उसका नाम है रवि राणा वो आगे बोला मेरे तो ताऊ मगा यो आज शाम बेटे यो तो मन तो बेरा ही नहीं पढ़िया देखा था बहू ने बता दिया मठा लिया अब ताऊ इसका पिस्टल किस है मेरा कोई ना ध्यान रख खाट पर देख रहा है तो क्यों उस टाइम पर दिमाग ऊँगा काम नहीं कर रहा था सही बात है तब बेटे मैं बोला भाई डर जा बूझ लो मैंने फोन में ला गया बहू ने मारी निमोनिका ने फोन उठाया था प्रदीप की घरवाली ने वाह बोली हलो मंगाए मोनी अगा पापा मैं काले का पिस्टल किस से बेबे अगो मोरी पे पड़िया है। अच्छा जब आपने देखा जब खाट पर रखा था
और फिर क्या भाई एक मोरी भाई यो आड़ा यो कोलिया ना याड़ा बताया उसका शर हुआ था वो गेट खुल गया उस खड़क का लग रहा था उसका लग रहा था। हाँ तब मैं बोला मार थानेदार साहब मैं बात है मोरी पे पड़ा बताओ फिर तो बोला ताऊ उसने किस है मौजूद आदमी के हाथ में सौंप दे किस जया खबर घर पहुंचेगी अरे तरारे में मेरी ताई या बहू को अपना लाग नहीं भड़का ले कोई हादसा हो जाएगा तो मन तो फिर वो फोन एक और ताई दे दिया मैं भाई कह दो कोई शनो जो था वो एक लड़के ने फोन कर दिया राजेश नाम है एक छोरे का उसने वो पिस्टल अपना काबू में लिया सुबह उसने सीआईए दे दिया जो पिस्टल का खोल था ना गोली का वो उसके अंदर वापस डाल रखा था अच्छा खोल भी वापस डाल हाँ वो गलो का पिस्टल था 9mm का उसका एक मतलब स्पेशल सेल के लिए वो है वो खोल अंदर नहीं रखा था बाहर भगा देगा वो उसका वो खराब होने के बाद भी खोल को नहीं रोकेगा फिर वो खोल उसके अंदर वापस डाल रखा है या सीआईए ने भी बेरा है रोहतक ने अगर वापस डाल रखा था अरे आड़ मेरे गांव के भी मौजूद आदमी अनबेरा है भाई हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया अज्ञात के खिलाफ क्यों बेरा ही नहीं उसी अगले दिन हाँ मंगलवार ने ठीक है 22 तारीख ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज करवा दिया ठीक है के भाई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा है मेरे बेटे की हत्या कर रखी है भाई कानून उसने पकड़ो कोई बात ना उसके 5 महीने बाद बहू मारे पास रही 5 महीने तक उसने 5 महीने के बाद मैं वो बोली पापा मैं बच्चा पेपर हो गए अरे तो कह दे दिया छुट्टी है इतने मैं रोक के आऊँगी फिर स्कूल खुले पास जाना नहीं पड़ेगा मैं ठीक है बेबे तू तो वैसे ही मत जाती रहा अगर सारी है ना अपर मैं तू चली जा जैसे भाई आपने देखो जब वो आप अंदर आए रात ने जब बहू ने मान ली रुका मार का बुलाए कि पापा गोली मार ली हाँ, वो मेरे तो पीछे ठीक है पानी और पिस्तौल बाबत भी जब मान लिया आपने देखा भाई खाट पर रखा था फिर वो उन्हें बयान बदल दिया भाई नाली में पड़ा था तो सब की सुई नहीं घूमी आपने उसके खिलाफ ही केस दर्ज करवाना था आपने अज्ञात के खिलाफ करवा दिया कई लोग जैसे ये भी कहेंगे तय बेटे मारा यो यकीन नहीं था अगर मारी बहू ने गोली मार दी होगी मारा यो था मगर हो सकता हो या बहू किसी ने डरा दी हो ये बच्चा ने मारने की भी धमकी दे जब यो मार दिया तो बच्चा नहीं मारने की धमकी देश के साथ और उस पर असर भी होना जरूरी था कि जब तेरा आदमी मार दिया अरे तब भाई बच्चा नहीं मर सके मैं हो सकता हूँ इसको डरा कर धमका कर मैं कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगी जब पूछ लेंगे फिर उसके खिलाफ करवा देंगे पर बहू देख कर बात कहेंगे कि मन ने तो वो पढ़िया ही देखा था पढ़िया ही देखा था वैसे तो उसने 13 मई से पहले 13 मई के बाद 2 दिन बाद 11 दिन की 13 मई करी थी जिस दिन उन्होंने अपनी कटिंग करवाई नान बुला कर शर्की वाला की उस दिन 13वां दिन था मेरे बेटे की डेथ ने हुई ने उसने कटिंग करवाई मेहंदी लगवाई अच्छा जिस दिन 19 दिन हुए थे उस दिन एक मतलब या कॉस्मेटिक का सामान बेचे है उससे फेस वॉश पाउडर क्रीम लिपस्टिक जो भी सामान मतलब एक नई नवेली का यार वो खरीदा चलो भाई देखो परिवार के जो आरोप हैं कि भाई इस प्रकार से जब 13वीं थी प्रदीप की तो उसी दिन उन्हें बुलाकर ने भाई अपने जो बाल है 13वीं से 2 दिन बाद में तो भाई जो भी ब्यूटी पार्लर का जो सामान है वो मंगवाया मतलब इस प्रकार बिल्कुल अच्छा ताऊ जी हाँ जी ताई जी बेटा मुँह पता मेरी बेटी गई बुलाने नहीं बोली दादी है मेरे पापा के बेटा ने के हो गया मैं बाजी आई मेरा बेटा नहीं पड़ा पीला बोरी बेच रही गिलास में चम्मच पानी मगर यू के हो रहा है यू पानी भी क्यों पिया मेरे बेटे तेरे मेरा बेटा प्रदीप है न्यू न्यू पापा बेटा सांस लेता अरे फिर मैं बादल कर लोग अपने गिर का पापा कड़ा कड़ा रो रहा था मेरे बेटे ने टाले जाओ क्यों पढ़े तेने पर मेरी छुट्टी काट कर गया था यू रो मेरा मैं बेटा बच जाएगा फोन पर बात करा उस पर फोन पर बात करवाई बोला बेबे साइड दे फोन मिला दे मैं बुलाने दे गिर की अरे माई ना टोपी तो मेरे बेटे की उड़ा गिर दी वो टुटे तड़ा पिस्तौल उसने आड़े गिर दिया नहीं बोली मम्मी ये ठहरे तेरे बेटे यहाँ सरकारी एक दिन नौकरी देकर जाएगी उठा के मन पकड़ा दे मन उठा के बेटा उसने पकड़ा दिया फिर छोटे पोते छोटा पोता ना पर बिना ला यूरो था मजा डे बिंद्रे शराबी अंडे कमाड़ बंद कराया मेरा बेटा के
फोन करके बुझू जब मन नहीं बेरा था मेरे प्रदीप का गोली ला गया मैंने पाचा बेरा पटा था मगा फिर मगा लेकड़ी हो गया आ गया होगा सो दी मैं मगा ये फोन मिला दे जो वापस तोल मना वा बत्ती काट कर रवा न्यू टोकर लाग रही मगाई मोनी का यू के करा है नहीं बोलिया ढीली हो रही कर ढी करो हो और फिर मनाते जानते छोटी बहुत बताई इस तो बताई नहीं बोली झूठ बोल रहा है मेरी माँ मैंने कोट बड़ो करा था अरे बेटा जिस दिन मेरे बेटे ने 13 दिन हुए थे ना आड़े सिल्लू की बुनाने है और ऊपर गांव में बैठ कर वाह फोन करके बुलाई उन्हें कटिंग कराई मैं दिलवाई बोला मेरे उसके माथे में फूल सा बाला का दौड़ा अतः मेरे पांच तले की लकड़ी की मैं बोली चाला कर दिया इसने तय अतः मैं बोली मैं यू के करा बोला जो तो पाछा लागी रहा करता है तू पाछा लागी रहा है मैं कोई ना बोली बेटा मैं 9 साल तो नहीं आ रही है कि मेरे पोता पोतिया ने दूर ले जा जब जिस दिन मेरे बेटे ने 19 दिन हुए थे ना प्रदीप ने आड़ चुड़ी आड़े सोनू की वो वहाँ बुलाई फोन करके जब अपना क्यों सारा सामान पहले गिर आ कर बेटा बिल्कुल उन्हें करीम ली पाउडर लिया लिपस्टिक ली नू आके नू पाले से लीवा लानती अरे बेटा रात ने मुका 10 का टाइम था मेरा सक पढ़ना शुरू हो गया वो फौजी आ रहे थे तो ऊपर जाकर सो गए मैं रसोई बन है फौजी वाले घर में मैं चाह बना रहा क्यों दिन रात बेटा जिसका जवान बेटा मर गया है अरे मेरा तट्ठा खट्टा बेटा क्यों कुरमाने नींद आवा है माई ना उस अशोक नी कुत्ता असरानिया उसने वीडियो कॉल कर कर वह पति 11 साल की उसने नहीं बेरा तेरा बाप मर रहा है अरे उस बनी कही तेरा पापा है यू है तारा पापा है यू माँ वो शोक मारा साल आ गए आज अशोक ने हम कदी बर्बाद कर दिया कुत्ते ने ठीक है इतनी गंदी बहू नहीं लैनी चाहिए बेटा किससे कर नहीं आनी चाहिए जिस जाके चक्रा में मरा कर कुत्ते कुएं में गिर गई अरे मेरा बेटा परवीन है ना बीकानेर तय दिल्ली की ड्यूटी करवाई जाने भाई के कभी दूध का दूध वाला पानी का पानी छाड़ूंगा ये बस उसकी रिपोर्ट भी नहीं आ ली थी और मेरे बेटे का नाम ले दिया बोला इसने मार दिया मेरा भाई वो मारा ये बेटे जो वह अपने पीर नहीं गई थी 23 मार्च ने वहाँ जाने के बाद में उसका 2023 14-15 अप्रैल की रात ने उसके भाई का भी मर्डर हो गया उड़ागांव महाराजपुर मोनिका के भाई का हाँ मोनिका के भाई का मर्डर हो गया सुपर सवारी में सो था रात ने 12 बजे के आसपास उसको गोली लग गई सुबह 8 बजे ने बेरा पटक था रात मर गया क्यों उठान गए थे उससे पहले उन्हें पता था बंद मकान है एक गेट से नीचे पूरा परिवार सो रहा है गेट बंद था और ऊपर चबारे में सूते गोली लग रही थी ये के वजह हुआ था वो जाने उसने ऊपर जाके देखा तेरा भाई मर रहा आओ देखे अंताओ जो प्रवीण मेरा बेटा छोटा आर्मी में है वो 20 दिन की छुट्टी आ रहा था उसने उसका नाम लेकर चलाना शुरू कर दिया प्रवीण ने मार दिया ढीले ने प्रवीण उर्फ ढीला उसने मेरा भाई मार दिया गोली मार दी मेरा भाई मार दिया उसने बगैर देखे बगैर सोचे सीधा नाम ले दिया क्यों क्योंकि वो इस नंबर के दारी थे वो कार्रवाई कर रहा था उसको यूं फंसा दिया कि कार्रवाई को और को कर नहीं का तो ओपन नहीं हो इस नीत ने उसने मेरे बेटे का नाम ले दिया तो कोई तो बात नहीं अभी जो आपका बेटा है प्रवीण है अभी वो दिल्ली पुलिस के हिरासत में है अच्छा हाँ वो फरार हो गया था आज उसने 6/6 दिन है दिल्ली पुलिस के हिरासत में हो अभी 6 दिन पहले ही पकड़ा गया हाँ बस तो उसने मेरे बेटे का नाम ले दिया पुलिस पीछे लग ली वो हो गए भागा दौड़े उसके 4 रोज बाद 19 अप्रैल को वो सिक्योरिटी ले रही थी पुलिस की 4 पुलिस वाले उसका ताऊ वो रुड़की गांव में पीएनबी बैंक में आई उसने क्या किया क्या नहीं किया ये हमने नहीं पता पर पीएनबी बैंक में अगर वो अपना जो करना था वो कर वो वापस वहीं से राजपुर चली गई यहाँ नहीं आई मरने के बाद हाँ उसका भाई मरने के 4 रोज बाद वो यहाँ हम घर पे नहीं आई बैंक में आई वो बैंक में अगर वापस चली गई तो यार 4-5 औरत इकट्ठी हो रही थी अगले रोज वो बोली कल तो बहू बैंक में आई थी एक बोली वह घर नहीं आई दूसरी बोली घर क्यों कराओ बेबी वह छोरे सरेआम नाम ले रही डीले का अकबरा भाई मार दिया डीले ने उन्होंने बैर बांध लिया वार किस मुँह तो बाबूगी तो यह पोती बोली मेरी मम्मी नहीं याद आती तो यह इमोशनल होगी अगर मम्मी याद आ गई होगी बेटी के या बोली बेटी मैं रही अगर यह बात नहीं दादी अग
और की बात से, अगर मेरी मम्मी नहीं आओगी तो मम्मी मार मार नहीं सकती, अब तन्ने क्यों मारेगी। ने बोली मेरे पापा का गोली मराग का मारी थी मेरी मम्मी ने। अच्छा। और उसका गेट के सर लाए के पड़ के सर फूटा, जब उसके सर तल तकिया लाया था और माँ जो तकिया लग रहा था बेटा, तो तकिया लाया था उसने। और मैं फिर न बागली भीतर ते बुलाउन था मेरे दादा ने, अगर मैं मेरे दादा ने बुला लूं, मेरे पापा ने डॉक्टर कठा ले जाएगा, गोली मार दी इसके। फिर मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ कर मैं रोक ली, ने बोली मेरी छाती पे अंदर कन्यो बोली तने किसी का गजबान खोल दी तो तेरा बाप तो मार दिया है, तने मार के इसके साथ में लौटा देंगी। जी बिटिया दी बोली, इस छोटी बिटिया था ही बोली। तो ये गई डर, ये अंदर आ गई, उसने अंदर भेज दी जाकर लौट जा बोल बोली, ये अंदर आ गई ये नहीं बोली। फिर उसने वो एक फोन कॉल और करी इस बिटिया का, गए अगर अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया। ये बिटी आएगी बताई बता रहा हूँ मैं, ये हमने बताया नहीं था ज्ञान। तो मैं बोला मैं बेटे तू ये बात क्यों कर रही है। मैं बोली मेरे पापा के जख्म से खून निकल रहा था ना, एक नीली बलियान लिया कर मेरी मम्मी ने भीतर थे मेरे पापा की, और उसको बोला खून पूछा था उसने, तो जैसे एक बार यहाँ से पूछा, दूसरी बार यहाँ से पूछा, तीसरी बार यहाँ से पूछ दिया, सात आठ जगह खून उस बलियान का लाग रहा है। या बोली वो इकट्ठी करके अंदर छुपाई थी वो बलियान, हमने टोमनी शुरू करी, वह बड़ी मुश्किल से बेड में पाई सराहने पर, तो दराज का ढक्कन नहीं खुल रहा है सराहने वाला, उसके अंदर दराज के अंदर पाई वह बलियान। छह सात महीने बाद, पाँच साढ़े पाँच महीने बाद, ठीक है। पुलिस प्रशासन को दिया आपने वो? मैंने इस बेटी के बयान और वो बनियान आईएमटी एसएचओ और हमारा जो केस का आईओ उसका बलियान सुपरद कर दी, बयान करवा दिए, बयान करवा दिए। इस गुड़िया बयान फिर एसएसपी साहब का गए, उसके फिर जो सीआईओ वन है रोहतक, वो एसएचओ साहब आ गए, इसके बयान ले गए थे तीन आदमी। तो ये जो बयान जो ये जो ताऊ जी जो ये बयान हुए हैं, काउंसलिंग भी हुई है, काउंसलिंग में ऑफिसर बैठे हैं, वो झूठ साच का भी पर्दा पड़े हैं, उन्हें शिकायत बधाई का भी बेरा है, या वहाँ भी पास उन्हें मतलब इसको ये मतलब बिल्कुल बयान सीनियर बताई है। हाँ, तो ये हो गए, मैंने एस एस पी के आई जी के डी जी पी के गृह मंत्री अनिल विज के सीएम विंडो पे दरखास्त लाई, तीन चार बार, तीन बार तो मैं एसएसपी साहब से मिला हूँ, एक बार एसएसपी साहब से मिले मैडम से, और अनिल विज से वीजा का रिक्वेस्ट करी है अम्बाला, शनिवार को खुले दरबार में उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, उसका मतलब जो एसपी साहब को मैसेज भेजा हमारे फोन में मैसेज भी आ रहा हो बिल्कुल। तो पर आज तक मेरी सुनाई नहीं हुई है, जब आईएमटी थाने में इस गुड़िया ने बयान देकर बाहर निकली, आईओ साहब हमारे साथ लिकड़े आई, वो ना दोबारा फिर पूछी नहीं, मतलब बाहर आके दरवाजे पर जीप के साथ में फिर पूछी थी, इसने बता दी, तब वो बोला ताऊ इस गुड़िया तुम शखा के ले रहे हो, तब दर्द तब बहुत आया। अगर मेरे जवान बेटे की लाश का हम सौदा करेंगे, पर हमारी पार नहीं बिछाई, क्यों हम गरीब आदमी हैं, खून का घूंट पी के मर रह गया, पर मैंने उसको इतना जरूर बोल लिया, मगर साहब गुडियां तो हम सिखा ले, पर वह बहुत हमारी सिखाई नहीं मानना, वह तो अपने पीर में है, अगर माँ पूछे तो लिया पूछ लो, वो जो कोई वो सच्चाई मान लियो, हम झूठे हैं, हम प्रोपगंडा कर रहे हैं, वह बहू के बह रही है, अब पैसा के मारे करें, पैसा के मारे हम जब करा, जब हमने मतलब मान लिया को लालच हो, लालच क्यों नहीं है, अब जो पैसा होगा बहू का नाम आओगा उसके खाते में आओगा, और मान लिया हम उसने अरेस्ट करा दिया, हाँ तो तीनों बच्चे खाते में जाएगा, मारे निजी मामले में वो पैसा कहाँ आ गया, उस पैसे का हम कहाँ पर यूज होगा। चलो भाई देखो, माँ बाप ने तो सीधी बात है भाई, न्याय चाहिए, क्योंकि भाई एक बेटा तो मतलब भाई भगवान ने प्यारा होगा, उस चीज की जो गुत्थी, हाँ मतलब उसकी हत्या होगी, उस मामले की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।